सनातन संस्कृति में वो सभी चीजों का महत्व दिया गया है जिससे मनुष्य का जीवन बेहतर बनाया जा सके। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के देवता यमराज के महल के प्रवेश द्वार के बारे में आज हम आपको बताएंगे। ज्योतिष आचार्य पंडित पंकज पाठक के अनुसार गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक माना गया है। गरुड़ पुराण में जीवन के जन्म एवं मरण चक्र, नरक लोक, स्वर्ग लोक एवं मनुष्य के कर्मों के फल के बारे में सारांश से सब कुछ वर्णित है। गरुड़ पुराण में जीवन के जन्म से लेकर मरण तक काफी सारी बातें के बारे में बताया गया है। जब कोई प्राणी शरीर त्यागता है तो उसकी आत्मा यमलोक में किस द्वार से प्रवेश करती है एवं वहां कितने द्वार हैं, इसके बारे में हम आपको आज बताने वाले हैं। ज्योतिष आचार्य के अनुसार गरुड़ पुराण में यह बताया गया है कि यमपुरी में यमलोक के अंदर जाने के लिए चार प्रवेश द्वार जीवात्माओं के लिए बने हुए हैं। प्राणी अपने जीवन काल में जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही भोगना पड़ता है। वैसा तो यमलोक के प्रवेश करने के लिए चार द्वार बनाए गए हैं एवं यम देवता का महल कई योजन एवं विशाल लंबा है। इन चार द्वारों को जीवात्माओं के कर्मों के अनुसार विभाजित किया गया। देखिए, गरुड़ पुराण के अनुसार यमलोक के चार द्वार होते हैं, चार मार्ग होते हैं। एक होता है पूर्व का, एक होता है पश्चिम का, एक होता है उत्तर का और एक होता है दक्षिण का मार्ग। इन चार मार्गों से जो प्राणी रहते हैं वह यमलोक में प्रवेश करते हैं। यमलोक में जाने का जो पूर्व का द्वार है, इसमें तपस्वी, सिद्ध, साधक, मुनिजन और तीर्थों में जिनकी मृत्यु होती है, ऐसे सिद्ध साधक जन जो हैं वो पूर्व के द्वार से जाते हैं। दूसरा जो उत्तर का द्वार होता है, इसमें सत्यव्रति, सत्यवादी, माता पिता की सेवा करने वाले, पंच यज्ञ करने वाले, जो राष्ट्र के लिए प्राण त्यागते हैं, जो मंदिर के लिए प्राण त्यागते हैं, जो गौ माता के लिए प्राण त्यागते हैं, वे इस उत्तर के मार्ग से उस यमलोक में प्रवेश करते हैं। तीसरा होता है पश्चिम का मार्ग, इसमें दान पुण्य करने वाले, सत्य कर्म करने वाले, सत्य बोलने वाले, यज्ञ अनुष्ठान करने वाले, भगवान की भक्ति करने वाले, भगवान विष्णु के, शिव का, अनन्य जो भक्त हैं, गायत्री मंत्र का जो जप करते हैं, इस प्रकार जो भगवान की साधना भक्ति करते हैं वे पश्चिम के मार्ग से जाते हैं। और जो चौथा मार्ग बतलाया गया है वह दक्षिण का मार्ग होता है। इससे पापी मनुष्य जो अपने जीवन में सदैव पाप कर्म करता है, जो नास्तिक रहता है, जो भगवान का भजन नहीं करता है, जो हिंसा करता है, जो हिंसा के द्वारा जीवी को उपार्जन करता है, और जो नास्तिक मनुष्य है, प्रकार के जो सभी प्रकार के निषिद्ध आचरण करने वाले हैं, दुष्कर्म करने वाले हैं, पाप कर्म करने वाले हैं, ये सभी मनुष्य दक्षिण के मार्ग से यमलोक में जाते हैं। तो दक्षिण के मार्ग से जो जाता हुआ पापी है, वो दक्षिण के मार्ग से जब जाता है तो मार्ग में उसको बैतरणी नदी प्राप्त होती है। वह बैतरणी नदी, ऐसा कहा गया है, सारे नरकों में प्रमुख नरक उसको माना गया है। उस बैतरणी नदी में जाकर के व्यक्ति बहुत दुखों को प्राप्त करता है, बहुत कष्टों को प्राप्त करता है। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में कभी दान नहीं दिया है, जिसने अपने जीवन में कभी गौ का दान नहीं दिया है, जिसने अपने जीवन में कपिला गाय का दान नहीं दिया है, ऐसा व्यक्ति विशेष रूप से जाकर के उस बैतरणी नदी में अपने पापों को भोगता है। जब यमलोक में पापी मनुष्य पहुंचता है तो वहां चित्रगुप्त विराजमान है। इस चित्रगुप्त व्यक्ति के किए हुए पाप पुण्यों का, उस व्यक्ति के किए हुए सारे कार्यों का हिसाब रखते हैं, और यदि व्यक्ति ने पुण्य कर्म किए हैं तो वह व्यक्ति पुण्य कर्म के कारण स्वर्ग इत्यादि लोकों में जाता है और पापी मनुष्य नरक की यातनाओं को भोगने के लिए भेजा जाता है। जो भी उसने पाप पुण्य किए हैं वह सब चित्रगुप्त जो हैं यमराज को बताते हैं, और यमराज जो हैं उसके किए गए पाप के अनुसार उसको दंड देते हैं। उन दंडों को भोगने के लिए 84 लाख प्रकार के नरकों का वर्णन कहा गया है। उन सभी नरकों में जाकर के व्यक्ति अलग अलग नरक में जाकर के अलग अलग नरक की यातनाओं को भोगता है।
कई प्रकार के नर्क, कई प्रकार के बताए गए हैं। अंध तामिश्र है, तामिश्र इत्यादि, रौरव, महासंकुल इत्यादि नरकों के नाम होते हैं। उन नरकों में जाकर के वह पापी मनुष्य अपने पाप कर्मों को भोगता है, कई प्रकार की यातनाओं को भोगता है। किसी को हाथी के सामने फेंक देते हैं, किसी को गर्म तेल के कढ़ा में डाल दिया, किसी को लोह पिंड के ऊपर चलाया जाता है, किसी को चाकू की धार के समान पैनी जगह पर चलाया जाता है। ऐसे कई प्रकार के नरक की यातनाएं गरुड़ पुराण में बताई गई हैं। उन समस्त प्रकार के नारकी यातनाओं को व्यक्ति भोगता है। जब अपने पापों के फल को वह प्राणी भोग लेता है, तब पुनः इस पृथ्वी में उसको मनुष्य के रूप में जन्म प्राप्त होता है।